Good morning, friends. Today we are going to study organization structure. Organization structure refers to the framework within which managerial and operating tasks are performed. इसका मतलब organization structure एक ऐसा framework setup है जिसमें different managerial and operating tasks work किए जाते हैं. इस structure में people, work और resources का relationship decide होता है. इसके साथ ही यह ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डायनामिक होना चाहिए. इसका मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस के हिसाब से हमें इस स्ट्रक्चर सेटअप में भी चेंजेस करने पड़ेंगे. इसका मतलब यह स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबल होना चाहिए. अब इस स्ट्रक्चर में टॉप लेवल मैनेजमेंट पर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स. मैनेजिंग डायरेक्टर्स के अंडर में प्रोडक्शन मैनेजर, परचेस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर वर्क करते हैं. ये सभी मैनेजर्स मिडल लेवल मैनेजर्स हैं. इन मिडल लेवल मैनेजर्स के अंडर में लोअर लेवल मैनेजर्स वर्क करते हैं. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर में फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर वर्क करते हैं. फैक्ट्री मैनेजर के अंडर में फोरमैन वन, फोरमैन टू वर्क करते हैं. यह सभी लोअर लेवल मैनेजर्स हैं. इसी तरह परचेस मैनेजर के अंडर में परचेस ऑफिसर, परचेस असिस्टेंट वर्क करते हैं. फाइनेंस मैनेजर के अंडर में अकाउंट मैनेजर, ऑडिट मैनेजर काम करेंगे. मार्केटिंग मैनेजर के अंडर में सेल्स मैनेजर, रिसर्च मैनेजर वर्क करते हैं. इन सभी लोअर लेवल मैनेजर्स को इंस्ट्रक्शंस देंगे मिडल लेवल मैनेजर्स. मैनेजमेंट यह ऑपरेशनल फ्रेमवर्क बनाते समय स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को भी कंसिडर करता है. स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि एक सुपीरियर एक बार में कितने सबॉर्डिनेट्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है, गाइड कर सकता है. नाउ वी सी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज फंक्शनल स्ट्रक्चर? इट रेफर्स टू ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर वन डिपार्टमेंट. इसका मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर में रिलेटेड सिमिलर एक्टिविटीज एक एग्जीक्यूटिव के अंडर में एक डिपार्टमेंट में की जाती है. जैसे किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. यह डिपार्टमेंट प्रोडक्शन मैनेजर के गाइडेंस में वर्क करता है. सभी एम्प्लॉयज प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क ही इस डिपार्टमेंट में करते हैं. इसके साथ ही हमारे पास हो सकता है परचेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्शंस भी हो सकते हैं. जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सेक्शंस होते हैं एडवर्टीजमेंट सेक्शन, सेल्स प्रमोशन सेक्शन, पर्सनल सेलिंग सेक्शन एंड कस्टमर केयर सेक्शन. कंपनीज लाइक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, बाटा, मारुति उद्योग आर फॉलोइंग फंक्शनल स्ट्रक्चर. नाउ वी लर्न डिटेल्स ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. फर्स्ट सुटेबिलिटी. फंक्शनल स्ट्रक्चर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में सुटेबल है. सेकेंड, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब इस लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज की जाती है तब फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है. थर्ड, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन रिक्वायर्ड. जब इन डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज के लिए हमें स्पेशलाइजेशन एक्सपर्टाइज की जरूरत है, हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक्सपर्ट एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, तब फंक्शनल स्ट्रक्चर सुटेबल है. नाउ वी सी एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर. द फर्स्ट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. इसे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी कहा जाता है. इस स्ट्रक्चर में हर मैनेजर को उसके डिपार्टमेंट की स्पेशल नॉलेज एक्सपर्टाइज होती है. उसके टीम मेंबर्स बार बार एक ही काम करते हैं, इसलिए इन टीम मेंबर्स को भी स्पेशल नॉलेज इस फील्ड में होता है. इस स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है. द सेकेंड इज इफेक्टिव कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करने से एक डिपार्टमेंट के अंदर एग्जीक्यूटिव उसे प्रॉपरली कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकता है, क्योंकि ये सभी टीम मेंबर्स मिलकर सिमिलर एक्टिविटीज ही परफॉर्म कर रहे हैं. द थर्ड इज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी. एक ही काम बार बार करने से इन टीम मेंबर्स की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. द फोर्थ इज अवॉइड डुप्लीकेशन.
काम डिवाइड कर देने से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अवॉइड होते हैं। अब प्रोडक्शन का काम केवल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही देखेगा, फाइनेंस रिलेटेड वर्क केवल फाइनेंस डिपार्टमेंट ही देखेगा, कोई भी वर्क दो बार नहीं होगा। द फिफ्थ इज ईज इन ट्रेनिंग। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में आसानी होती है। बार बार वही काम करने से यह एम्प्लॉयज अपने आप ट्रेंड हो जाते हैं। सिक्स्थ इज प्रॉपर अटेंशन। एक डिपार्टमेंटल हेड अपने पूरे डिपार्टमेंट पर प्रॉपरली अटेंशन दे सकता है। नाउ वी सी डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। द फर्स्ट इज फंक्शनल एम्पायर। इस स्ट्रक्चर में हर मैनेजर अपने ही डिपार्टमेंट को प्रूफ करने में लगा रहता है, वह अपने ही डिपार्टमेंट को बेस्ट साबित करना चाहता है। पूरे डिपार्टमेंट की टीम अपने ही एक्टिविटी अपने ही फंक्शंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान नहीं देती, इसलिए फंक्शनल एम्पायर या डिसएडवांटेज क्रिएट होता है। द सेकेंड इज डिफिकल्टी इन कोऑर्डिनेशन। एक डिपार्टमेंट के अंडर तो हमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, लेकिन इस डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑर्डिनेशन करना है, तभी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। इसमें हमें डिफिकल्टी मिलती है क्योंकि हर डिपार्टमेंटल मैनेजर में हो सकता है ईगो प्रॉब्लम हो, वे अपने ही डिपार्टमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसे ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं। द थर्ड इज डिफिकल्ट टू होल्ड अकाउंटेबल। अब मान लीजिए कि यदि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ तो इस लॉस के लिए सेल्स डिपार्टमेंट जिम्मेदार है या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है। वे सभी एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। अब यह सेल्स डिपार्टमेंट की इनएफिशिएंसी है या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर नहीं किए या फाइनेंस डिपार्टमेंट ने डिस्काउंट देने की परमिशन नहीं दी या मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रॉपर एडवर्टीजमेंट नहीं की, इस लॉस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है यह फाइंड आउट करना मुश्किल है। द फोर्थ इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमें दो डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट्स देखने के लिए मिलते हैं। मान लीजिए सेल्स डिपार्टमेंट चाहता है कि उन्हें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करने चाहिए, जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस देने से मना कर रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट न्यू एफर्ट्स लेने के लिए रेडी नहीं है, इससे डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं। द फिफ्थ इज इनफ्लेक्सिबिलिटी। एक ही डिपार्टमेंट में काम करने के कारण पूरी टीम को एक ही फंक्शन की इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज एक्सपर्टाइज होती है, वे दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट नहीं हो सकती। इसी तरह उनका डिपार्टमेंटल मैनेजर भी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता या उसे टॉप मैनेजमेंट में भी प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, इस मैनेजर को केवल प्रोडक्शन से रिलेटेड ही एक्सपर्टाइज है, तो उसे हम फाइनेंस डिपार्टमेंट या मार्केटिंग डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसी के साथ हम उसे मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट भी नहीं दे सकते क्योंकि उसे केवल एक ही डिपार्टमेंट का नॉलेज है, जबकि मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर जो पर्सन होगा उसे हर डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सुटेबिलिटी advantages and disadvantages of functional structure. If you like this video, like, share and subscribe my channel and press the bell icon to get latest notifications. Thank you.